नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। चित्रकूट में समिति प्रबंधक की लापरवाही के चलते 5000 क्विंटल धान खराब हो गया और किसानों से खरीदा गया यह धान मझगवा के कृषि उपज मंडी परिसर में खुले आसमान के नीचे रखा हुआ था, जो अचानक हुई बारिश होने की वजह से भीग गया। इस लापरवाही पर मझगवा एसडीएम ने समिति प्रबंधक को नोटिस जारी कर वसूली के आदेश देने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि एसडीएम के वसूली वाले आदेश पर कितना अमल हो पाता है। कुछ किसानों के द्वारा तो पॉलीथिन की व्यवस्था कर ली गई थी, लेकिन समिति प्रबंधक के द्वारा जो धान इन्हें तौली जा चुकी थी और जिसकी सिलाई की जा चुकी थी, लगभग 8 या 9 हजार बोरी होगी, इनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार से छाया की व्यवस्था नहीं की गई है। तो कल इनको विधिवत नोटिस जारी किया जाएगा, क्यों ना इनसे जो धान नष्ट हो खराब होगी, क्यों ना इनसे इस राशि की वसूली की जाए। राम नरेश श्रीवास्तव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राम नरेश, ऐसा नहीं है कि मौसम विभाग ने पहले से चेताया ना हो, चेतावनी ना दी हो कि मौसम का मिजाज बदलेगा, बारिश होगी गरज चमक के साथ, भारी बारिश हो सकती है, उसके बाद भी समिति प्रबंधक के द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही? जी रश्क, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया में भी बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि मौसम खराब होगा, आंधी तूफान के साथ ओले भी गिरेंगे। इसके बाद भी न तो प्रशासन इस मामले में सक्रिय रहा और न ही समिति प्रबंधक इस मामले में एक्टिव रहा है, जिसकी वजह से अचानक मौसम गड़बड़ होने की वजह से बारिश भी हुई है, ओले भी गिरे हैं और साथ साथ तेज हवाएं भी चली है, जिसकी वजह से धान पूरा खराब हो गया है। लगभग 5000 क्विंटल धान गीला हो गया है और वो सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है कि समिति प्रबंधक ने लगभग 5000 क्विंटल धान खुले मैदान में आसमान के नीचे रखा हुआ था, और जबकि उसको 3 सेट के नीचे बकायदे रखवाना चाहिए था और बोरों की छल्ली लगवा के रखवाया जाता है। लेकिन आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ स्थानीय बीजेपी नेता प्रबल श्रीवास्तव जी जुड़ गए। प्रबल जी, जानकारी है कि किस तरह से समिति प्रबंधक की लापरवाही के चलते 5000 से ज्यादा क्विंटल धान बारिश की वजह से भीग गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी पूरी जानकारी है, पूरे का पूरा जिम्मेदार इसमें स्थानीय प्रशासन, स्थानीय वहाँ के रख रखाव समिति के वहाँ के कर्मचारी, उनकी पूरी की पूरी मिली भगत है, उनकी देन है। उनको मालूम था कि बारिश का मौसम है, पिछले 2 दिन पहले भी यहाँ मझगवा क्षेत्र में, चित्रकूट क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी गिरा था और ये चाहते तो उसमें उसको ढक सकते थे, पन्नी की व्यवस्था कर सकते थे, वैकल्पिक कुछ भी व्यवस्था कर सकते थे कि बेचारे किसानों का धान खराई खराब नहीं हो, लेकिन इनकी नियत पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं संदेहास्पद इन्होंने उनका ये काम है। संपूर्ण जिम्मेदारी, संपूर्ण जवाबदारी इसमें प्रशासन, शासन प्रशासन और वहाँ के व्यवस्थापकों की। विधायक तो आप ही के ही है वहाँ पर, क्या उनकी भी नहीं सुनी जाती? विधायक हमारे नहीं है, विधायक कांग्रेस के हैं। सांसद तो आप ही के हैं सर, चलिए विधायक नहीं है तो जी, उस क्षेत्र का सांसद तो आप ही का है। आप बने रहिए श्रीवास्तव जी, बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एसडीओ केपी अहिरवार जी जुड़ गए। अहिरवार साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम, धन्यवाद। अहिरवार जी, क्या आदेश दिए गए? मैडम अब उसकी जांच चल रही है, क्या व्यवस्था की है उन्होंने? सर क्या जांच चल रही है, तस्वीरें बिल्कुल सामने हैं, खुले में धान रखा हुआ था 5000 क्विंटल से ज्यादा का, उसका बंदोबस्त नहीं किया गया, ना त्रिपाल लगाई गई, ना ही उसको गोडाउन में रखा गया, पूरा भीग गया है। क्या अभी भी जांच कराएंगे सर आप? अभी भी आपको जांच कराई जाएगी? आपको लापरवाही नहीं दिख रही? नहीं नहीं मैडम, अभी मैं देखा नहीं हूँ, बिना देखे नहीं कह सकता हूँ। सर व्हाट्सएप कर दूं आपके नंबर पे, तस्वीरें व्हाट्सएप कर दूं, आप कह रहे हैं कि अभी भी आपने नहीं देखी, आप बने रहिए। श्रीवास्तव जी ये देखिए, जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि भाई अभी तक इन्होंने मौके का मुआयना ही नहीं किया, तो ये क्या बता दे कि क्या हुआ है वहाँ पर? आपको आपको इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जब इन्होंने अभी तक मौके का मुआयना नहीं किया, बात हो गई 24 घंटे से ज्यादा की, तो ये क्या जिम्मेदारी लेंगे प्रशासन, शासन और जनता की, क्या जवाबदारी? ओपी साहब जवाब दीजिए जरा, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, आप अपने एसी कमरे से नहीं निकले, ब्लोअर चला के बैठे हुए हैं क्या? मैडम ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात है सर, तभी तो आप कह रहे हैं सर, तभी सर तभी तो आप कह रहे हैं, तभी तो आप कह रहे हैं कि अभी तक आपको जानकारी नहीं, बिना देखे आप कैसे कह देंगे? 24 घंटे हो गया सर, जिम्मेदार पद पे बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारी हैं आप। मैम सुनिए तो, अभी क्या है कि मैं क्वार्टर में देख रहा हूँ, बिल्डिंग को देखते हुए मजमुआ जा ही रहा हूँ, सुबह से निकला हूँ, ऐसा तो नहीं कि हम लोग नहीं लगे हैं उसमें, घर में बैठे हैं। हाँ ये कहना तो मैम ठीक ना होगा, तो आप ही तो कह रहे हैं ना, आपने ही कहा है कि अभी तक आपको जानकारी नहीं है, अभी तक आपको नहीं पता है।
मैडम एक्चुअली क्या है, आप जिस सेंटर की बात कर रहे हैं उसमें मैं पहुंच रहा हूं, कोटर होते हुए ब्लीचिंग कुछ दिन मैं जाऊंगा, उसके बाद ही स्थिति क्लियर करूंगा ना कि क्या व्यवस्था की है उन्होंने, क्या करना चाहिए थी। अहिरबार साहब, इस बात को तो आप मान रहे हैं ना कि 5000 से ज्यादा क्विंटल का जो धान है वो बारिश में भीग गया है, जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई हैं। नहीं मैडम, मैं देख के आपको, आप तो बस जवाब दे दीजिए, नुकसान की रिकवरी कैसे होगी? आप अभी भी उसी बात पे अड़े हुए हैं कि देख के बताएंगे? मैम ऐसे कैसे बिना देख के कह सकते हैं किसी चीज को कि उसने क्या व्यवस्था की है क्या नहीं की है? सर हम आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, आप तुरंत अभी तस्वीरें देखिए कि क्या व्यवस्था की गई है क्या नहीं। हमारे साथ सहयोगी रामनरेश श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं जो अभी ग्राउंड जीरो पर हैं। रामनरेश, जहां यहां पे अहिरवार साहब को बताएं कि क्या स्थिति है मौके पर। मेरा ये सवाल है कि इनकी जवाबदारी है कि ये मॉनिटरिंग, इनको सतत मॉनिटरिंग करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जवाबदारी से आप अहिरवार साहब मुकर रहे हैं। क्या आपने मॉनिटरिंग की है? आपको भी मालूम था कि मानसून स्थिति खराब है, बारिश हो सकती है, वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, तो आपको देखने करनी चाहिए थी अहिरवार साहब। जी मैडम, जवाब दीजिए, मॉनिटरिंग ही नहीं की, मतलब आप लोग औचक निरीक्षण नहीं करते वक्त वक्त पे? नहीं नहीं देखिए मैडम, निरीक्षण चलता है, कहीं थोड़ा बहुत माइनर। सर 5000 क्विंटल से ज्यादा का गेहूं भीग जाना थोड़ा बहुत होता है, रिकवरी कैसे होगी बताइए सर, आप जवाब दे दीजिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैडम, शायद है वहाँ पे व्यवस्था है, मंडी में ही रखा था जो धान है, अब उसमें कैसे क्या हुआ है अभी मैं। सर जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, कम से कम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए, और इस तरह के जवाब की उम्मीद आपसे नहीं की जाती। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से स्थानीय नेता, उनका भी बहुत शुक्रिया, और साथ ही रामनरेश श्रीवास्तव सहयोगी जो जानकारी ग्राउंड जीरो से दे रहे थे उनका भी बहुत शुक्रिया।